हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सातवें दिन भी जारी रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, मलबा व पानी निकालने का काम जारी। बोरंडी गांव में सेना द्वारा सातवें दिन ऑपरेशन जारी रखते हुए कुएं से पानी मलबा निकालने का काम जारी रहा। रविवार रात को हल्की बारिश के कारण आसपास की मिट्टी कुएं में गिरना शुरू हो गई थी। इसको लेकर सीमेंट और लोहा के सरिये से फर्मा बनाया गया। पहले 3 फीट का फर्मा बनाकर पानी पंपिंग के लिए काम शुरू किया गया। इस दौरान जुगाड़ का ही सहारा लेना पड़ा। पानी निकालने के लिए 250 लीटर के ड्रम का उपयोग लिया गया, तो वहीं बड़ी मशीन की बजाय आम दिनों पर कुएं खुदाई में काम आने वाला जुगाड़ से बनाया गया डोला मशीन का उपयोग लिया जा रहा है। हालांकि पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करने वाले पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ व मेजर मनीष कुमार ने बताया कि आर्मी के लोगों के साथ कुआं खुदाई का काम करने वाले 3 एक्सपर्ट दुर्गाराम सुरेश व महेंद्र नायक को ही मलबा निकालने के लिए कुएं में उतारा गया है, जिन्हें आर्मी द्वारा हेलमेट हॉर्न्स का उपयोग करवाया गया है। साथ ही आर्मी के जवानों द्वारा सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। जागरूक टीवी की सोडित से नथाराम बोराना की रिपोर्ट।